हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। आज मैं जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा हिंदी के लिए गद्यांश जो कि आते हैं उनको मैं लेके आया हूँ, गद्यांश नंबर 2। इसके पहले मैंने एक गद्यांश पढ़ करके उसके आंसर दिए थे। जैसा कि मैंने आपको उसमें बताया था, पहले बच्चों को प्रश्न पढ़ लेना चाहिए, कम से कम 2 प्रश्न, 5 प्रश्न रहते हैं उसमें से 2 प्रश्न पढ़ लें, जिससे उसके उत्तर वो पढ़ते वक्त ही दे सकते हैं। तो आइए आज इसको हम ट्राई करके देखते हैं। तो पहला देखिए प्रश्न है, 2 मुंह वाली चिड़िया कहाँ रहती थी, और दूसरा है जंगल में क्या था, जंगल में क्या था। तो आज हम इसी पर ट्राई करेंगे। पहले 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, चलिए मैं पढ़ता हूँ। नंदन वन में एक नन्ही चिड़िया रहती थी जिसके 2 मुंह थे। दोनों मुंह होने के कारण वह चिड़िया दूसरे पक्षियों से बिल्कुल विचित्र दिखती थी। वह चिड़िया एक बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। तो देखिए आ गया चिड़िया कहाँ रहती थी, तो उसका सही आंसर आ गया देखिए बरगद के पेड़ पे। देखिए आप तुरंत पता कर सकते हैं, मतलब इससे आपको थोड़ी सी आराम हो जाएगी। चलिए अब था जंगल में क्या था, चलिए जंगल में क्या था और लाल फल किसने खाया, चलिए दोनों चीज़ें आ जाएंगी। तो देखिए मैं देखता हूँ जो आंसर पहले मिलता है उसको मैं जानने की कोशिश करता हूँ। बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी, यानी पहले प्रश्न का आपने उत्तर देखिए बरगद देख लिया। एक दिन वह चिड़िया जंगल में भोजन की तलाश में इधर उधर उड़ रही थी। अचानक चिड़िया के दाएं वाले मुंह की नज़र लाल फल पर पड़ी। तो जंगल में क्या था, जंगल में क्या था, जहरीला फल था, मीठा फल था, अभी नहीं आया इसमें से। लाल फल किसने खाया, अच्छा चलिए। तो इधर उधर अचानक दाएं वाले मुंह की नज़र एक लाल फल पर पड़ी, तो पूछ रहा लाल फल किसने खाया। तो आगे देखिए आएगा कि लाल फल पर पड़ी, देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया और वह तेजी से वह लाल फल खाने को आगे बढ़ी। अब चिड़िया का दाया मुंह बड़े स्वाद से लाल फल, यानी चिड़िया का दाया मुंह जो था वो उसको खा रहा था, यानी तीसरे वाले प्रश्न का उत्तर देखिए मिल चुका है आपका पहले के रूप में। चलिए अब मैं पढ़ता हूँ आपका आगे, और मैं आगे पढ़ता हूँ, अभी जितने भी प्रश्न हैं उसके उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। दाया मुंह की तरफ था कि अब वो चिड़िया दाया मुंह बड़े स्वाद से फल खा रहा था। बाया मुंह बेचारा बार बार दाया मुंह की तरफ देख रहा था कि या मुझे भी खाने को दे, लेकिन दाया वाला चुपचाप मस्ती से फल खाए जा रहा था। अब बाएं मुंह ने दाएं मुंह से प्रार्थना की कि थोड़ा सा फल खाने को मुझे भी दे दो। इस पर दाएं मुंह ने गुस्सा दिखाते हुए कहा कि हम दोनों का पेट एक ही है, अगर मैं खाऊंगा तो वो हमारे पेट में ही जाएगा, लेकिन उसके बाएं वाले को कुछ खाने को नहीं दिया। अगले दिन चिड़िया जंगल में खाने की तलाश में उड़ रही थी, तभी बाएं मुंह की नज़र एक फल पर पड़ी जो कि चमकीला था, और तेजी से उस फल की तरफ लपका, और जैसे ही वो फल खाने को तुरंत पास बैठे एक कौवे ने चेतावनी दी कि वह फल मत खाओ, खाओ ये जहरीला है। चलिए अब था जंगल में क्या था, तो जंगल में क्या था दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर, तो वहाँ जंगल में फल देखिए कैसा था, वो जहरीला फल था, तो ये देखिए मिल गया। अगला लाल फल किसने खाया, मिल चुका चिड़िया ने, चिड़िया को फल खाने से किसने रोका, देखिए सबसे लास्ट में ही आ गया कि उसके मत खाइए, उसको पास में बैठा देखिए कौवे ने चेतावनी, तो इसका मतलब इसमें देखिए जंगल में बैठे कौवे, तो इसका मतलब सी वाला आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाल फल किसने देखा, अरे लाल फल किसने देखा, तो दोबारा आ गया इसका मतलब ये वाला प्रश्न वही है, ए वाला यानी चिड़िया के दाएं मुंह ने देखा। चलिए जैसा भी था हमने आपको बताया, कुल मिला के आप ऐसे प्रश्नों को कई बार पढ़ें, कई गद्यांश करेंगे तो ये क्वेश्चन आप निश्चित तौर पे कर पाएंगे। धन्यवाद, और मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा आप ऐसे ही प्रश्नों को देखते रहिए, बनाते रहिए, और इस सभी प्रश्नों को बच्चे अवश्य हल करें। धन्यवाद।